भाई अपनी बुल्क का जो ये वाला रैप हुआ रखा है ना, ये हम हटा रहे हैं आज यार। तुम्हारा भाई फाइनली जा रहा है यार रैप के लिए। और गाइस जो कलर होने वाले बता दूं आप लोगों को, एक होने पर पर्पल। बुल्क की मोटिवेशन के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि गाइस अब जो रैप होने वाला है ना, सीरियसली एक अलग ही अंदाज के अंदर रैप होने वाला है। तो गाइस एक बार कमेंट में अपने भाई को ये बताओ तुम लोग कि भाई बुल्क की मोटिफिकेशन के बाद उसकी डिलीवरी बाइकों की तरह लेके आ, जैसे लोग बाइकों की डिलीवरी लेते हैं। तो सर करोल बाग गए थे, साइकिलिंग करते हैं ना हम, हाँ जी पढ़ाई करते हैं। ओ भाई जी से यार अपनी बुल्क का सारा काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं एक मस्त ही लॉन्ग ट्रिप पे। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने मेमोरी कार्ड ले लिया, बिकॉज 32 GB का लिया एंड सैमसंग का लिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग बड़ी हो गए। सो आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। होप कर दो गाइस सारे भाई बड़ी। और आज वाले व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी यहाँ से। गाइस इतने अच्छे अच्छे मुझे प्यारे प्यारे कमेंट दे रहे हो अपने भाई को, तो गाइस तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा खुश हो रहा है इस चीज को लेके। एंड गाइस ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहो, बिकॉज मैं आप लोगों को बता दूं आज का क्या सीन बन रहा है हमारा। आज हम जा रहे हैं अपनी बुल्क के रैप के लिए। तो गाइस बहुत टाइम से वेट करा रहा था तुम्हें, बाकी आज फाइनली निकल रहे हैं यार अपनी बुल्क के रैप के लिए। तो गाइस ये देखो भाई, यहाँ लग रखी है अपनी बुल्क। और भाई कल हमने इसके ब्रेक शू चेंज करा लिए, और गाइस हमने हैंडल के लिए बोला था, बिकॉज हैंडल आप लोगों ने देख ही लिया। गाइस फाइनली सीट भी हमने चेंज करा ली, बिकॉज हैंडल रह रहा है, हैंडल जब आएगा जब चेंज कराएंगे। और ब्रेक शूज चेंज करा दिए भाई, हम लोग चल रहे करोल बाग रैप के लिए, बिकॉज आज यार तुम्हारा भाई फाइनली जा रहा है यार रैप के लिए। एंड गाइस फाइनली आज से अपनी बुल्क का मॉडिफिकेशन की जो सीरीज है वो तो स्टार्ट हो ही चुकी है, लेकिन गाइस अब जो तगड़े सीन होने वाले हैं ना वो पूछो मत। एंड गाइस हम बहुत जल्द लॉन्ग ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, जल्दी से यार अपनी बुल्क का सारा काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं एक मस्त ही लॉन्ग ट्रिप पे। एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप लोग कितने एक्साइटेड हो बिकॉज मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ यार आप लोगों के सीरियसली, एंड मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो भाई आई एम रियली सॉरी। चलो गाइस निकलते हैं। फाइनली गाइस निकल चुके हैं, बिकॉज आज का जो वेदर हो रहा है ना भाई बहुत ज़्यादा सेक्सी है। एंड भाई अगर ऐसा वेदर रहे ना तो भाई राइड करने का एक मज़ा ही अलग है। एंड गाइस अभी 3-4 दिन से तो दिल्ली का वेदर बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा है, रातों को जो बारिश हो रही है भाई पूछो मत। एंड गाइस एडिटिंग करने के बाद तो भाई ब्लॉग पोस्ट जब करता हूँ ना तो भाई कंबल ओढ़ के पोस्ट करना पड़ता है, बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है ना। एंड गाइस अगर ऐसा वेदर रहे ना तो भाई डेली ब्लॉग बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे भाई की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक है, एंड आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से तो भाई तुम्हारे भाई हर चीज़ ठीक रहती है, बस अपने भाई को ऐसी सपोर्ट करते रहो। इतनी दिन के अंदर भाई ऐसा लग रहा है मैंने ऐसी ऑडियंस कमा ली है जो भाई मेरा पूरा ख्याल रखती है, और भाई मेरे को लगता है कि ये आगे भी मेरा पूरा ख्याल रखती रहेगी। मुझे पता है भाई जेंटलमैन आर्मी की जो पावर है ना भाई वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और से अभी हम लोग आ चुके हैं सीपी, एंड गाइस आ गए हम सीपी की मेन राइड लाइट पे। तो भाई हमने तो कर ली फुटपाथ पे अपनी बोल के, एंड साइकिल होने का यही फ़ायदा है कि भाई हम लोग कहीं से भी निकल जाते हैं। तो भाई चेक करो यार तुम लोग, ये आ चुके भाई हम लोग सीपी में। एंड गाइस देख रहे हो यार 2-3 दिन से तो भाई अपने सीपी के काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगने लग गए हैं। एंड मैं पहले भाई इधर ले लूँ, क्योंकि गाइस कोने में चला रहा है वो बंदा, और भाई सीधी लेके जा रहा है एंड बिना फालतू में भाई कुछ हो या जाए। और मेरे को यार गोप्रो का एचडी कार्ड लेना है, बिकॉज आजकल ना व्लॉग जो आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं, एंड जो कट पिट के इतना बन पा रहा है, एंड एचडी कार्ड कम पड़ जा रहा है मेरे पास, तो भाई एचडी कार्ड मेरे को लेना जरूरी है। तो भाई चल रहे अभी एचडी कार्ड लेते हैं क्रोमा से। तो भाई मेरा क्रोमा सबसे बेस्ट लगता है एंड इन सब चीज़ों के मामले में। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने मेमोरी कार्ड ले लिया, बिकॉज 32 GB का लिया एंड सैमसंग का ले लिया मैंने मेमोरी कार्ड। एंड गाइस अब जाके ना थोड़ी सी दिक्कत खत्म होगी अपनी व्लॉगिंग की, और गाइस अब निकलते हैं। एंड ये दोनों आ चुके हैं यहाँ पे, और गाइस ये वाला मेमोरी कार्ड यूज़ करेंगे अब हम लोग। गाइस हम लोग सीपी से निकल गए हैं, और गाइस अभी चल रहे सीधा करोल बाग, मतलब आ गए हैं करोल बाग ही, और करोल बाग एंटर ही होने वाले हैं। तो भाई देख रहे हो, एंड आजकल भाई राइड हो नहीं पा रही ढंग से। तो भाई करोल बाग में हम लोग चल रहे हैं अपनी बुल्क का रैप के लिए। तो गाइस बहुत दिन से आप लोगों को मैंने खाली बोल रखा था कि भाई रैप कराना है, बिकॉज आज हम चल रहे हैं रैप के लिए, और इस पर रैप होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसके रैप के लिए, बिकॉज अपनी बुल्क एक अलग रूप देगी भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड गाइस चेक करो भाई अभी करोल बाग में, देखो भाई ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। एंड रुकते हैं और भाई चीज़ें मिलते हैं दुकान पे आप लोगों को। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं करोल बाग, और मैं तुम्हें दिखाऊं तो भाई अपनी बुल्क का जो ये वाला रैप हुआ रखा है ना ये हम हटा रहे हैं, एंड इसके बाद जो रैप होने वाला है भाई वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। बस अपनी बुल्क का ना भाई इतना रैप हट चुका है, एंड ये वाला रैप पूरा का पूरा हटा रहे हैं हम लोग। गाइस इस पे नया रैप होने वाला है, गाइस इसको हटा रहे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हम लोग आ चुके हैं करोल बाग अपनी बुल्क का काम कराने के लिए। तो गाइस ये देखो भाई, इसमें रैप का जो था सिस्टम, एंड मैंने इसका इतना रैप तो हटा दिया, बट ये रैप हटाने के लिए हमें मशीन की ज़रूरत है, बिकॉज वहाँ पर मशीन वगैरह सारी चीज़ बिजी पड़ी है। बट कोई नहीं, हम लोग खुद ही इसको हटा देंगे 1-2 दिन के अंदर ही, मतलब मंडे से ही अपनी बुल्क का रैप स्टार्ट हो जाएगा होना। भाई बहुत सारे
भाई एक्साइटेड थे एंड मैं आप लोगों को अब दिखाई दूँ एंड चल के अभी मैं रैप वगैरह भी दिखाता हूँ तुम लोगों को कौन कौन सा रैप कराने वाले हैं हम लोग। बिकॉज देखो मेरे सामने ये सारे रैप वगैरह रखे हुए हैं एंड गाइस ये वाला रैप भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इसको हम हेलमेट पर करवाएँ भाई जो हमें समझ आएगा, बिकॉज ये हेलमेट पर कैसा लगेगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस जो कलर होने वाले बता दूँ आप लोगों को, एक होने पर पर्पल एंड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एक येलो, और येलो के साथ शायद ब्लैक कॉम्बिनेशन होगी या कोई दूसरी, बिकॉज अभी भैया ऊपर हैं तो भाई आते फिर मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। गाइस फाइनली हमारी रैप वगैरह की बातचीत हो चुकी है एंड अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है भैया कब बुला रहे हो मेरे को फिर तुम? है आप आ जाओ मंडे को, एक कॉल करना है। मैं कॉल करूँगा बिकॉज हम लोग मंडे से रैप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, डन सीन है ना। तो भाई अब निकल रहे हैं अब करोल बाग से, बिकॉज हमारी रैप वगैरह की सारी चीज़ डन हो गई है। और इन भाई ने तो हमें साइकिल हटाओ लो भाई। ठीक है भाई 5 मिनट लगाई यार साइकिल तुम्हें, वाली बात नहीं है भाई, 2 मिनट हम गए तो थे बस यार। हाँ कोई नहीं भाई, ठीक है गाइस हम लोग निकल रहे हैं करोल बाग से एंड रैप का हमारा फाइनल हो चुका है गाइस। ये लो बिली बिली सुबह सुबह की है, साइकिलिंग करते हैं ना हम, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई तो हमारी क्लियर हो गई है सर। तो गाइस सर बिली वगैरह ज़्यादा नहीं करते हम लोग एंड जो भी करते हैं मस्ती करते हैं, बाकी अभी हम लोग चल रहे हैं यार अपने थोड़ा राइड वगैरह करते। सो फाइनली गाइस हम लोग करोल बाग से आके एंड जस्ट नाउ अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और अपनी बुल्क का रैप हो चुका है बिल्कुल फाइनल, बिकॉज जो कलर वगैरह भी हम लोगों ने डिसीजन करे थे एंड वो भी फाइनल हो चुका है। तो गाइस मंडे से हमारी बुल्क का रैप फाइनली कम्प्लीटेड हो जाएगा और गाइस हम लोग डिलीवरी लेंगे, बिकॉज जैसे लोग बाइक की डिलीवरी वगैरह लेते हैं ना पर्दे वगैरह हटाते हैं तो क्या बोलते हो, हम लोग अपनी बुल्क की डिलीवरी भी ऐसे ही ले क्या? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके मेरे को बहुत जल्दी मैं भाई बता दो यार जल्दी जल्दी कमेंट करके। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड वो वाले रोड पे जिस रोड पे हम लोग थोड़ी बहुत राइड वगैरह करते हैं एंड बहुत टाइम हो गया हमने राइड वगैरह भी नहीं करी है, तो गाइस निकलते हैं यहाँ से और राइड कर। सर करोल बाग गए थे तो यार फाइनली करोल बाग से निकल गए थे और हमने ड्रिंक वगैरह पीने अभी हम रुके थे तो भाई पुलिस वाले अंकल आ गए थे, बट जब मैंने कैमरा ऑन करा तो गाइस कुछ अलग ही सीन था एंड वैसे वो हम लोगों से पूछ रहे थे भाई कुछ खाओ पियोगे, तो हमने क्या दिया कि सर हम ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं बस, हम खा पी के ही निकले थे। और गाइस मैं आप लोगों को बुल्की मोटिवेशन के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि गाइस अब जो रैप होने वाला है ना सीरियसली एक अलग ही अंदाज के अंदर रैप होने वाला है और गाइस तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा खुश है कि गाइस अपनी बुल्क फाइनली मंडे को रैप हो जाएगी। और गाइस क्या बोलते हो हम लोग इसकी डिलीवरी ले क्या, जैसे लोग बाइक की लेते हैं वैसे हम अपनी साइकिल की लेंगे, तो गाइस जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड गाइस हमारे पास तो साइकिल ही है तो भाई हम साइकिल की ही डिलीवरी ले सकते हैं बिकॉज, बट वो वाली हम वाइब जरूर ले सकते हैं साइकिल के साथ। बार यार अपने भाई को कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हम लोग अपनी साइकिल की डिलीवरी उस टाइप से ले क्या जिस टाइप से लोग बाइक की डिलीवरी लेते हैं, बिकॉज पर्दा वगैरह हटाते हैं तो मॉडिफिकेशन के बाद हम लोग लेते हैं इसकी डिलीवरी। फिर हम लोग आ चुके हैं अपने लीन पॉइंट पे और गाइस देखो यार हो चुकी है अपनी राइड स्टार्ट और बहुत टाइम बाद आया है। और ये देखो भाई भैया रॉन्ग साइड आ रहे हैं, ये देखो भाई सीन आ रहा है बिकॉज गाइस इस लीन पे आते तो भाई एक अलग ही मज़ा आता है। और भाई अब भाई थोड़ा लीन करते हैं एंड मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा। भाई बहुत तगड़ी स्पीड में भागी थी आ रही है, मेरे कपड़े उड़ रहे हैं भाई। ओ भाई कहाँ रह गए लोग, देख रहे भाई क्या मस्त भागी अपनी बुल की यार। ओ शिट यार इसका काम होने के बाद तो भाई ये और ओसम चल रही है। ओ भाई मेरी आवाज़ बंद हो गई थी भाई, सीरियसली मेरी आवाज़ बंद हो गई थी यार। यार इस लीन पे आते ही ना भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई इस लीन पे। भाई आज अपनी साइकिल ना इतनी स्पीड में निकली है बिकॉज अगर कोई गाड़ी वगैरह बगल में होती ना तो भाई मैं आप लोगों को स्पीड चेक कराता, बिकॉज एक बार गैस कर रहा है यार स्पीड कितनी होगी इसके अंदर एंड बट जो जिस हिसाब से निकली है ना भाई ये बहुत तगड़ी तरीके से निकली है। और गाइस आज हमें इसको वॉशिंग वगैरह कराना था तो अगर अभी मेरे को टाइम मिलता है तो भाई इसको वॉशिंग कराते हैं। तो गाइस आज का ये मौसम जो ऑसम हो रहा है ना भाई पूछो मत, बिकॉज अपनी बुल्क की देख रहे हो भाई क्या बैलेंसिंग है एंड गाइस मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ ना तो भाई बहुत ज़्यादा मस्त चलती है एंड भाई ये सीधी चलती रहेगी और कहीं पर भी नहीं मुड़ती। तो गाइस एक बार कमेंट
कमेंट में अपने भाई को ये बताओ तुम लोग कि भाई बुल्क की मॉडिफिकेशन के बाद उसकी डिलीवरी बाइकों की तरह ले क्या, जैसे लोग बाइकों की डिलीवरी लेते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। एंड मेरा मन है भाई वो चीज़ ले करने का, बिकॉज आप लोगों का डिसीजन चाहिए यार। जल्दी जल्दी कमेंट करो और अपने भाई को बताओ, बिकॉज अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया एंड देख रहे भाई मौसम भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है 2-3 दिन से। जस्ट अभी मैं बोल ही रहा था कि यार बारिश ना आ जाए, और गाइस यार बारिश आ चुकी है, बिकॉज तुम्हारा भाई ना भीग रहा है। एंड जल्दी से घर पहुंचना पड़ेगा। और गाइस मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो, आप लोगों को पता ही है कि भाई कितना भीग गए थे हम लोग बारिश के अंदर, बट आज नहीं चाहता तुम्हारा भाई। एंड जल्दी से चलते घर पर, और बुल्की की मॉडिफिकेशन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इस वाले ब्लॉग को हम लोग इधर ही एंड कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई इसको लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय, लव यू ऑल जेंटलमैन आर्मी।